ग्रामीण क्षेत्र में किए जाने वाले विकास के लिए 40 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करने बुलंदशहर पहुंचे पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। भूपेंद्र ने कहा कि विपक्षी दल आपस में गठबंधन करके एकजुट होने में लगे हैं, मगर भाजपा का जनता से सीधा गठबंधन है। इतना ही नहीं, भूपेंद्र ने दावा किया कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार की जड़ों पर सीधे चोट की है। बढ़ती महंगाई पर प्रतिक्रिया देते हुए पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी बोले कि मैं मानता हूं पिछले कुछ दिनों में महंगाई बढ़ी है, मगर सरकार इस पर लगाम कसने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस दौरान भूपेंद्र ने आगामी चुनावों पर प्रतिक्रिया देते हुए विपक्षी दलों पर जमकर जुबानी बाण चलाए। भूपेंद्र ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापस लेकर विपक्ष के एजेंडे को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। भूपेंद्र बोले, कृषि कानून वापस होने के बाद किसानों की नाराजगी पूरी तरह खत्म हो चुकी है और किसान 2022 में एक बार फिर भाजपा को सम्मान देंगे। गौरतलब है कि पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ग्रामीण क्षेत्र में 40 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास करने बुलंदशहर जिला पंचायत सभागार पहुंचे थे, जहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए उनके द्वारा ये तमाम बातें कही गईं। आज जिला पंचायत बुलंदशहर के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जो परियोजनाएँ हैं, उन 40 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है और इसके कारण बुलंदशहर के विकास में, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में हम लोग एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा ये आज का कार्यक्रम। और मैं जिला पंचायत की अध्यक्ष महोदय का, माननीय सांसद जी का, माननीय विधायकों का, आदरणीय मंत्री जी का सबको शुभकामनाएं देता हूं कि जिनके सबके प्रयास से आज 40 करोड़ के इस कामों का आज शिलान्यास करने का अवसर मुझे मिला है। और मैं बुलंदशहर की जनता को अपनी सरकार के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है विकास को, उसे दोहराते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए संकल्पित हैं और ये आज ही उसका ये विषय है। भ्रष्टाचार एक सामाजिक विषय है। प्रदेश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, माननीय योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने एक संकल्प के साथ इसे समाप्त करने का काम हम लोगों ने किया है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर कहीं इस तरह की बात है तो हम लोग आगे संकल्पित है सरकार उसे समाप्त करने के, उसके सामूल नष्ट करने के। साहब, महंगाई पिछले वर्षों में उस समय में कुछ महंगाई बढ़ी है, ये बात ठीक है, लेकिन सरकार ने महंगाई को नियंत्रित करने के कदम उठाए हैं। उसके कदमों के लिए आपने देखा होगा डीजल, पेट्रोल या जो भी और व्यवस्थित व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत हम लोग काम कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि सारी चीज़ें नियंत्रण में हैं, रहेंगी। आपने देखा होगा पिछले लोकसभा चुनाव से बड़ा गठबंधन नहीं है, सपा, बसपा, राष्ट्रीय लोकदल तीनों एक साथ चुनाव लड़े थे, तो उनका राजनीतिक दलों का गठबंधन है, हमारा जनता का गठबंधन है जी। जनता का गठबंधन हमसे है, राजनीतिक दल तो कुछ भी कर ले, पिछली बार से 19 से बड़ा गठबंधन कोई नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश के लोग अपने विषय को आक्रामकता से रखते हैं और स्वाभाविक रूप से रखना भी चाहिए, लेकिन उनका विरोध पार्टी का, सरकार का विरोध नहीं है, उनकी अपनी बातें हैं, अपनी मांग है और सरकार उन पर संकल्पित है उन्हें पूरा करने के लिए। हमने पूरे की भी है और आगे भी करेंगे, तो उनका स्नेह और आशीर्वाद इस प्रदेश की, देश की महान जनता का भाजपा को मिला है और आगे भी मिलेगा। और मैं एक बार फिर दोबारा दोहराता हूँ, पिछले लोकसभा चुनाव से बड़ा गठबंधन कोई नहीं, सपा, बसपा, राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हो गया था। हम 80% से ज़्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में जीत के आए हैं। अपने ये विषय रखा है, मैं उसकी सारी जानकारी करके और आप लोगों के सम्मुख बहुत जल्दी उस विषय को आगे बढ़ाऊँगा। बिलों में जहाँ तक विषय है बिल का, किसानों के सम्मान में देश के प्रधानमंत्री ने जैसा कहा कि हम लोग कुछ लोगों को समझा नहीं पाए और हमने कानून वापस ले लिए, तो अब कोई विषय बचा नहीं है। और दूसरे दलों को अपना जो उनका राजनीतिक एजेंडा उसमें देख रहे थे, वो मुझे लगता है उसमें निराशा लगेगी हाथ, लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रदर्शन चुनाव में होना है, तो हमें चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा। ये एक सरकार ने एक कमेटी बनाई है और सरकार किसान संगठनों से वार्ता करके सारे विषय का समाधान निकालने का काम करेगी। टाइम 24 न्यूज के लिए इकबाल सेफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।